नमस्कार, मेवाड़ मार्बल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप घर बना रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे बनाएं, क्या क्या बनाएं और चीज़ें सारी कहाँ मिलती है, और स्वयं खुद बनाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे छोड़ के सारी मेहनत आप करना चाहते हैं, या आपको किसी इंटीरियर डिजाइनर की मदद लेनी है। कल मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का, और उसको पूरा घर रेनोवेट करना है। तो उन्होंने बोला किसी का नंबर दीजिए, किसी मिस्त्री का नंबर, कॉन्ट्रैक्टर का नंबर। मैंने उसको बोला आपको इंटीरियर डिजाइनर का नंबर दे दूँ? नहीं 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 नहीं, बहुत महंगा होगा, मुझे ऐसा ही नॉर्मल दे दीजिए, बाकी सारा मैं ही बना लूँगा। मुझे कोई ड्राइंग नहीं करनी है, मुझे कुछ प्लान नहीं करना है, मेरे हिसाब से मैं कर लूँगा। क्या आपको पता है कि इंटीरियर डिजाइनर वास्तव में महंगा होता है? इंटीरियर डिजाइनर से काम नहीं कराने के क्या क्या नुकसान होते हैं ये पता है, या इंटीरियर डिजाइनर से काम करवाने से क्या क्या फायदे होते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 फायदे गिना के देता हूँ जो आप इंटीरियर डिजाइनर्स के थ्रू काम कराएंगे तो आपको बेनिफिट्स होंगे। यस, सबसे पहले तो पहला फायदा, मुंबई जैसी जगह में, आप जैसे मुंबई महानगर की जगह में रह रहे हैं जहाँ एक एक इंच की कितनी बड़ी वैल्यू है, तो सबसे पहले तो ये फायदा है, पहला फायदा कि आपको पूरी जगह का यूटिलाइजेशन करके मिलेगा, पूरा यूज। एक कोने में भी छोटी सी जगह का भी आपको वेस्टेज नहीं होने देंगे वो लोग, ये इनका बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि आपको नई नई डिजाइंस वो लगा के दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो घूमते रहते हैं, उनके सेमिनार्स होते हैं, अलग अलग शोरूम में जाते हैं, और उनको देखने, यही काम है, प्रोफेशनल जो होते हैं उनके वही काम होता है। तो वो आपको कोई नई चीज ला के दे सकते हैं, नई डिजाइन ला के दे सकते हैं, ये एक दूसरा बेनिफिट हुआ। नहीं तो हम क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, तो अपने को जो उपलब्ध है मार्केट में, हमारा कॉन्ट्रैक्टर जिधर लेके चला गया या आप जिधर से रेगुलर जो जानते हैं वहां गए और आपने लगा लिया, देख लिया, या आप ऑनलाइन पर कुछ सर्च कर दिया, आपको जो कुछ मिल गया आपने उसको ले लिया, बाकी उनका जो एक्सपीरियंस है उनका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तीसरा है बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन, उनको उस चीज की ट्रेनिंग मिली हुई है, वो लोग दिन रात उसमें लगे रहते हैं, तो जो कलर का कॉम्बिनेशन है, फ्लोरिंग कौन से कलर की, तो ऊपर पेंट करना है दीवार पे तो वो कौन से कलर का, या वॉल टाइल कौन से कलर की, सीलिंग कौन सा, अच्छा उसका कटन्स जो है वो कौन से, सारी चीज आपके ऊपर जो फर्नीचर के ऊपर जो प्लाई सनमाइका का ये जो लग रहे हैं ये कौन से कलर के होने चाहिए, ये सारी चीज का जो अनुभव है वो जबरदस्त रूप से उनका होता है, और आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है वो आपको काम आता है इसमें। चौथी चीज है कि न्यू चीजें आजकल ऑप्शनल बहुत आए हैं, सीलिंग पर क्या लगाना है तो उनको, आपको एक दो चीज पता होगा, आप वही सर्च करेंगे, वही बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को उतना पता होगा वो बताएगा, लेकिन इंडस्ट्री बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है, तो उनको उस तेज गति से ग्रो कर रही है तो उनको ये पता चलता है कि कौन सा नया चीज आया है। जैसे कि टाइल्स आप लगा रहे हैं तो टाइल्स में जो रेगुलर आपको दिखने को मिल रहा है उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टाइल है जो भी ऑनलाइन पे भी नहीं होगी शायद, वो उनको पता रहता है कहाँ मिलता है, क्या रहता है, चाहे सीलिंग की सीट हो, चाहे फ्लोरिंग की आइटम हो, या उसको लगाने का मटेरियल हो, जैसे कि सीमेंट की जगह जो नई चीज़ आई है, तो वो ये सारी चीज़ें का उनको एक्सपीरियंस रहता है। पहले अपन सीमेंट लगाते थे टाइल्स को तो वो इतना पीछे जाड़ा सीमेंट लगाना पड़ता था, आजकल ऐसा उसका सॉल्यूशन आ गया है, पतला चीज़ तो आपका वो जगह भी ज़्यादा नहीं गिरता है, तो ये सारा एक्सपीरियंस है। मिस्त्री को अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो वो पुराने तरीके से ही लगाएगा, तो जो न्यू इनोवेटिव चीज़ आपके अंदर वो ला के कर सकते हैं, चौथा बेनिफिट है। पांचवा, जो एक भ्रम होता है सब में, पांचवा बेनिफिट है कि उनकी रेट रिजनेबल ही होती है। आप भले किसी का बजट निकाल के देखें, बजट बना के देखें,
ऐसा नहीं है कि उनकी को रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो उनकी रेट रिजनेबल ही होती है। छठा बेनिफिट, आपको काम एक बार पूरा बता दिया, समझा दिया किस डेट तक चाहिए वो बता दिया, उसके बाद नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। आप अपने काम में, आप अपने ऑफिस पे जाइए, अपने काम में बिजी रहिए, कुछ भी करिए, एक व्यक्ति से बात कर रहा है, एक जो आपने जिस इंटीरियर को, जिस डिजाइनर को आपने ये काम दिया है, बस आप उसको फॉलो अप करना है। बाकी आपको अलग अलग लेबर, अलग अलग मिस्त्री, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर, लाइट का कॉन्ट्रैक्टर अलग, प्लम्बर अलग, ये कड़िया मिस्त्री अलग, ऐसा नहीं, फर्नीचर वाला अलग, वो एक को ही आपको फॉलो अप करना देता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आज की जो व्यस्त लाइफ है उसमें। फिर आप अगर 50 जगह, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, वो बोलते घर का काम चल रहा है, मैं पागल हो गया। अरे भाई तुम क्यों पागल हो गए, किसी एक व्यक्ति को सारा काम सौंपो, वही व्यक्ति सारा चीज़ और उसको समझा दो, वो करके देगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको कोई टेंशन नहीं रहती है अगर आप एक किसी इंटीरियर डिजाइनर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, अपने घर का काम बनाने के लिए दे देते हो। सातवां है कि पूरा प्लान वो वेल प्लान्ड करते हैं, पूरा चीज जो चाहते हैं आप वो आपको पूछ के वो एक पेपर पर पूरा प्लान कर देते हैं, समझा देते हैं, और वो एक तरह का विजन दिखने लगता है आपको। आजकल तो 3D में भी आया है, बहुत से लोग आज वीडियो में भी दिखाते हैं, लैपटॉप पर भी दिखा देते हैं कैसा दिखेगा लगने के बाद। तो जब आप ये पूरा एक दिखा देते हैं तो आपको निर्णय लेने में भी बहुत सरलता रहती है। नहीं तो आधा काम हो रहा है उसके बाद आप सोच रहे ऐसा करें वैसा करें, ये तो इधर ठीक नहीं है, ये ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे बार 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 भी चेंज होता है। काम करते वक्त भी 10 बार चेंज कर लेते हैं लोग, बोले अभी अभी यहाँ नहीं, ये तोड़ देते हैं, अभी ये लगा देते हैं। नहीं तो वो पहले ही सारा चीज बता देने से आपको एडवांस में डिसीजन लेने में तकलीफ नहीं आती है। ये भी एक आपका सातवां बेनिफिट है। आठवां बेनिफिट है कि यही आपको सब सब कुछ पहले बता देते हैं, उनका पेपर पे सारा वर्क हो जाता है, कितना बजट होगा ये भी पहले ही मालूम पड़ जाता है, तो आप डिसीजन ले पाएंगे। इस लाइन में बहुत से लोग जब काम करते हैं तो बजट की वजह से उनका बजट ओवर होने लगता है, काम होते होते बजट, काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सोचते हैं कि मैं 10 लाख का काम करूंगा, वो उनका आधा काम में ही 10 लाख खत्म होता है और उसके बाद आधा काम छोड़ नहीं सकते हैं, 20 लाख तक जाता है बजट। क्यों? क्योंकि आपने पहले से कोई प्लान नहीं किया, पहले से किसी इंटीरियर को नहीं रखा, डिजाइनर नहीं रखा, आपको कोई पता नहीं, आपने राम भरोसे अंदर चलते गए और फिर बजट बढ़ गया और आप वो भी तोड़ना पड़ा, अंदर देखा तो ये भी कपाट भी तोड़ ले, ये भी कर ले। ऐसे आपको आपके बजट का भी पहले से मालूम पड़ जाता है अगर आप एक किसी भी इंटीरियर को काम देते हैं तो। नवा नाइन्थ नंबर अगर बेनिफिट में दिखाऊं आपको, तो ये जो बनता है बाद में, इतने वेल प्लान से ये लोग जो बनाते हैं, वो जो आपने कल्पना की है ना उससे भी सुंदर बनता है। यस, उससे भी सुंदर बनता है। तो कल्पना के ऊपर जाके आपका काम होता है। और लास्ट बेनिफिट है जो कि आप पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ लोगों ने सुना होगा कि आजकल ऐसे इंटीरियर डिजाइनर भी हैं जो आपके ड्रीम के हिसाब से, आपके सपने के हिसाब से आपके घर को या ऑफिस को डिजाइन करते हैं। आप किस तरह की थॉट रखते हैं, आपके विचार किस तरह से चल रहे हैं, ये सारे विचारों को वो आपसे बातचीत में जानते हैं और वो कैसे मैनिफेस्ट होंगे उसके हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, उसके हिसाब से आपके सामने वो चीजें रखते हैं ताकि आप अपने ड्रीम्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके, मैनिफेस्ट कर सके। यस, तो ऐसा भी है। तो ये 10 बेनिफिट्स मैंने इंटीरियर डिजाइनर से काम करवाने के गिनाए। अगले वीडियो में इसके नुकसान क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक, इसका उल्टा होगा तो बहुत सारे नुकसान होंगे, इसी वीडियो में नुकसान का भी मालूम पड़ ही जाता है, लेकिन मैं अलग से वो वीडियो बनाऊंगा, तो आप इंतजार करना उस वीडियो का भी। और अगर आप घर बना रहे हैं तो जरूर किसी इंटीरियर डिजाइनर से कॉन्टेक्ट करके
वेल प्लान्ड करके करिए, ताकि आप टेंशन फ्री होके अपने सपने साकार कर सके और अपनी कल्पना से भी सुंदर स्वर्ग जैसा सुंदर घर आप बना सके। देखते रहिए मेवाड़ मार्बल के ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।